हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई विद्यम। सो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ कि अधिगम क्या है। ये प्रश्न जो है ये सिर्फ बीए थर्ड ईयर के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपके बीए एमए या फिर अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो बीए डीएलएड बीटीसी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अधिगम क्या है। देखिए, सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है, ये सभी जानते हैं। जन्म के कुछ माह बाद ही वह बच्चे, मतलब जिनके संपर्क में आते हैं, उन्हीं की क्रियाओं का वो अनुकरण करते हैं, सीखते हैं, और थोड़ा बड़ा होने पर वह जो भी नया कुछ देखते हैं वह उसी के विषय में क्या, क्यों, कैसे है, ये सारे प्रश्न करने लगते हैं। उनके इर्द गिर्द जो वस्तुएँ एवं क्रियाओं का वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और थोड़ा वो बड़ा हो जाते हैं बच्चे तो वो विद्यालय उन्हें भेजा जाता है। वहाँ पे उन्हें तमाम सारी विषयों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। अगर हम सामान्यतः कहें तो यही ही एक सीखना अथवा अधिगम कहा जाता है इसे। हम देख लेते हैं कि अधिगम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। विकास के अंतर्गत अधिगम का मुख्य स्थान है। मनोवैज्ञानिक ने यह दिखा दिया है कि जो पूर्व प्रसव काल में अधिगम का अर्थ प्रशिक्षण या सीखना से ही होता है, परंतु जन्म के बाद बालकों के जो संपूर्ण विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की भूमिका प्रधान होती है। देखिए आप, यानी यहाँ पे प्रशिक्षण, परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों ही प्रधान हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बालक में विकास सही अर्थ में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की जो अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है। परिपक्वता का संबंध आनुवांशिक अंतःशक्तियों से होता है, अतः बालकों के विकास में यह चार दीवारी एक तरह से चार दीवारी बना देता है, जिनके भीतर उन अंतर शक्तियों का विकास उचित वातावरण मिलने से ही हो पाता है। देखिए तो अगर बच्चों को उचित वातावरण मिले तो वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और वो भी समय से मिले तो और भी अधिक। यही कारण है कि शिक्षा मनोविज्ञान कहें या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, और भी सारी दृष्टियों से सीखना या फिर अधिगम कहें बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका जो मत है कि पूर्ण विकास के लिए बालकों की आनुवांशिक शक्तियों का उचित वातावरण प्रदान कर ठीक समय पर उन्हें उत्तेजित करना ही अधिगम है। आइए हम अधिगम की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। गेट्स के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला एक परिवर्तन है, एक बदलाव है। और चार्ल्स स्किनर के अनुसार लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग इन बिहेवियर एडॉप्शन, यानी कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। कार्लविन के अनुसार देखा जाए तो अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे मौलिक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम जो है यानी सीखना जो है वो अगर सही मायने में कह रहे हैं तो मनुष्य को इन सबके साथ साथ आगे आने वाली जो परिस्थितियों का सामना करने में जो कुशल होना चाहिए उन्हें, हर एक मनुष्य को सही मायने में। और सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का जो उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही ये सीखने की प्रक्रिया है। इसे हम अधिगम कहते हैं, इसे हम सीखना कहते हैं। और आइए हम कुछ इसके अर्थ देख लेते हैं। सीखने का अर्थ अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन आदि किसी भी विधि से नए नए तथ्यों, नए नए ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है।
और नई नई क्रियाओं को करना, इन्हें बहुत दिनों तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका यूज़ करना, इस प्रकार व्यवहार को सही दिशा देना।